यहाँ ओनली कैचलेस। ग्रेट, थोड़ा मैच्योरिटी होने देना। 50 पेयर लुटिनो लवबर्ड का बहुत खूबसूरत सा एक कॉलोनी, वायलेट लवबर्ड का कॉलोनी है। एक फीट से भी ज्यादा होगा। अच्छा, और ज्यादा धूप, ज्यादा बारिश, पानी, थोड़ा लड़ाई वगैरह किया था इसलिए देखिए मुंह में शायद थोड़ा सा खून का छींटा लगा हुआ है। इसका बॉक्स इस साइड से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और दादा का फार्म का पार्ट टू जो वीडियो बन रहा था उसका पार्ट टू है। और पार्ट टू में सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं ये एक रेसिंग पिजन है। और दादा आपने जैसे बोला था कि ये बहुत दूर दूर से कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे दिल्ली के मद्रास कलकत्ता ये सब पैरा गुलो रेसर का जगह मैंने रेसर जैसे रेसिंग करा তাদের জন্য এই রেসনার বাড়িতে নিয়ে যান। 4-5 বছরে রেখে দেন, কাঁচায় রেখে, তারপরে ছেড়ে দিলে আপনার এখানে চলে আসে, বেরিয়ে গেলে ওরা কিন্তু চলে আসে, বাচ্চাগুলো ওখানে রয়ে যাবে। এই পিজিয়ন্স কো ইয়াহ সে আগর 400 কিলোমিটার দূর ভি হাম লেকে জায়েঙ্গে ওয়া 1 মাহিনা 2 মাহিনা 6 2 সাল রাখিয়ে বাচ্চা কর লিজিয়ে ওয়া পর। ও আচ্ছা, ওয়া ফির ভি আগর ছুট জায়েগা তো আ জায়েগা ইদার, মতলব 2 সাল রাখনে কে বাদ আগর ওয়া ব্রিড ভি কর দেগা তো এ জো মাদার পেয়ার হে উসকে বাদ আগর ছোড়েঙ্গে তো ওয়া সে উড়কে ইয়াহ আয়েগা, ইদার আয়েগা, লেকিন ও চিক্স ওয়া রহ জায়েগা, চিক্স রহ জায়েগা, এই তো ফায়দা হে। ও চিক্স ধরি রহেগা, বাজ পাখি জো বলতে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাজ ইসকে লিয়ে খতরনাক হে, ये पकड़ लेता है, कहीं पे भी मरेगा नहीं, कहीं पे भी रुकेगा नहीं, वो अपना जगह में कहीं मरेगा, यही इसका नकल है। अच्छा, लेकिन वो बाज हॉक जो होता है वही मार देने का चांस रहता है। अच्छा दादा, और चीक्स भी देख रहा हूँ उसका अंदर। ओ ग्रेट, अच्छा एक बार मैं वो चीक्स को दिखाना पसंद करूंगा सबको। और मैं अंदर चले आए, एक ही चीक हम लोग ये देख रहा है और ये बहुत ही अच्छा ब्रीड है। और यहाँ भी एक नेस्ट लगा हुआ है, और दो पिजन्स को एक बार, ओ वेरी गुड क्वालिटी, नाइस क्वालिटी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बाहर निकलते हैं और अभी हम लोग आए हैं, दादा इसका नाम आपने क्या बताया था? कड़कनाथ मुर्गी, कड़कनाथ। कोशिश कर रहा है कि अच्छा ब्रीड हो यहाँ, और ब्रीड हो के धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़े। यहाँ जाएंगे अभी दूसरा केज में, और भी बहुत सारा बर्ड्स है वो भी देखेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा दिखा देना पसंद करूँगा ये सुंदर सा जो तालाब है, मतलब इस साइड बर्ड फार्म है और इस साइड मतलब इसका एकदम सामने बहुत खूबसूरत सा तालाब है, लाजवाब, दिल भर जाएगा। दादा यहाँ मछली भी है क्या? ओ ठीक है, मछली पकड़ने का वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। डॉग कैनल था। ओ अच्छा, दादा का एस्ट्रोलॉजी में डॉग पालना सही नहीं है इसलिए दादा पहले ये डॉग कैनल था पूरा, बाद में चेंज करके बर्ड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ दादा का सुंदर सा एक कॉकाटेल का एक कॉलोनी, ये सब अभी शायद एडल्ट नहीं हुआ है, हाँ इस साल में होगा, इसलिए अभी बॉक्स और मटकी कुछ नहीं लगाया। पूरा फार्म देख के मैं जो फील कर रहा हूँ आपका फीलिंग्स को, कि आप कॉलोनी में ब्रीड कराना पसंद करते हैं, बाद को छोटा केज में रखने में आपको मतलब तकलीफ होता है। अच्छा ठीक है, और यहाँ जाभा का सेटअप बहुत बढ़िया है, एक साल का जो उसने निकाला नहीं है, हाँ जो है यहाँ पर ही बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, उसके बाद बहुत हाँ उसमें जो होगा होगा। ग्रेट, और आपका जो जगह है ये भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधा भरा हुआ है और हवा का ट्रांसपेरेंसी तो एकदम। हाँ। देखिए वो जो चिकन है, हाँ 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 हाँ, हसीन मुर्गी। अच्छा क्या है? हसीन जात का, मतलब दो मुर्गी का जब लड़ाई, हम लोग कभी कभी मुर्गी लड़ाई बोलते हैं, हाँ। जब तक एक का डेथ नहीं हो जाता है पैर में पाइप लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही मार देगा, ऐसे ही मारेगा। बहुत सारा बजीस, बहुत खूबसूरत, वहाँ भी कुछ बजीस देखे हैं, हॉलैंड बजीस, और यहाँ सारे नॉर्मल बजीस, ये भी कॉलोनी में है, दादा का पसंद है, छोटा केज में बर्ड्स रखना दादा पसंद नहीं करते इसलिए सबके लिए बड़ा बड़ा केज बनाया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। कितना गैया है आपका? 24 तो था, छोड़ दिया, वो भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल रहा है, गैया पल सकता है लेकिन दूध हम किसी को दान या बेच नहीं सकता, उसके लिए करवा, इसलिए हम एक ही रखा है घर के लिए। अच्छा, और यहाँ पहले चारा वगैरह जो देते थे गैया को, काऊ को, डील होना चाहिए ये सब करने के लिए, और नहीं तो होगा नहीं। फिर से क्लॉकवाइज होगा, तो पहले इस साइड जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद आएंगे यहाँ लवबर्ड की कॉलोनी है, आएंगे बाद में। कबूतर का पहुँच गए हैं हम लोग, कबूतर का कॉलोनी में। ग्रेट, टोमेटर बुखारो, ओ टोमेटर बुखारो ना, और ये तो अमेरिकन फॉन्टेल फेंटल, हाँ अमेरिकन फॉन्टेल है। और साइज देखिए बहुत बड़ा, और
इसका साइज देखिए, थोड़ा लड़ाई वगैरह किया था इसलिए हाँ। देखिए मुंह में शायद थोड़ा सा खून का छींटा लगा हुआ है। उफ, ग्रेट, बहुत खूबसूरत। इसका साथ अमेरिकन फ्रंटल का क्रॉस हुआ। वो अच्छा, इसका साथ अमेरिकन फ्रंटल का क्रॉस हुआ और क्रॉस ब्रीड में ये निकला। बहुत खूबसूरत है, साइज देख के ना दिल भर जाता है। एक फीट से भी ज़्यादा होगा। चलो छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैगपाई पाउडर बोलते हैं शायद। और ये है बुखारो। हाँ नहीं पता है। हाँ हाँ, मतलब और भी ज़्यादा फील होता है। हाँ हाँ हाँ। और सबका हेल्थ बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत बढ़िया। तो क्रॉस ब्रीड ना हो जाए हाँ। इसके लिए बड़ा बड़ा केज करके सेपरेट कर उसका अंदर मटकिया देके हाँ वही ब्रीड करना ठीक है। लेकिन हम बोला ना केज में हम पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, निकल जाएगा बाहर। हाँ अच्छा, ये लोग बाहर निकलते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, ये मतलब ये लोग बाहर भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अभी तक शायद आपने जैसे बताया कि छोड़ते हैं, तो इन लोगों का कोई बीमारी आपको फेस करना नहीं पड़ा अभी तक शायद। एक बार कर दिया, लेकिन हमारा तो पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, उसका डॉक्टर से बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत डॉक्टर है। इसका तो जो घर बैठा बोलता है ना डॉक्टर, ठीक हो गया। पोल्ट्री फार्म में हम लोग को डॉक्टर है। ये लोग को तो पता ही होगा, खून टेस्टिंग यहाँ पर होगा नहीं। वो लोग को देखे हम जैसे पुणे से करा के ले करके आ जाता है। क्या बीमारी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गेट नहीं है, नहीं है ठीक है। जगह बहुत ही अच्छा है, हवा खिलता है, साफ सुथरा। बीमारी फटाफट पकड़ लेता है, मुर्गी का माफिक जैसे होता है, हम लोग फार्म में वैसे ही करता है। ज्यादा से ज्यादा मैं देखा आई जो आइस का जो प्रॉब्लम होता है वही होता है। आइस का जो प्रॉब्लम होता है और जो कॉक्स का प्रॉब्लम होता है, एक बार थोड़ा ही मिलता है। लेकिन हमारा इधर भी हुआ था, हम मुर्गी का दवाई लगाया। अच्छा, और एंटीमोनी बोलते हैं होम्योपैथिक दवाई। क्या क्या एंटीमोनी? एंटीमोनी हाँ, एंटीमोनी का फर्स्ट 2 डेज कोर्स होता है। हाँ नहीं सॉरी, हाँ 2 डेज और तुलजा का 2 डेज बस। वो कोर्स होने के साथ साथ वो अपने आप सूख के मिल जाता है। वो ग्रेट, सब ठीक हो जाता है। और बहुत अच्छा सब केज है, हम लोग जो बॉक्स देखा था नंबरिंग करते। हाँ वहाँ मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो दिखाया था लवबर्ड के सारे बॉक्सेस वहाँ तैयार किया हुआ है। गर्मी का मौसम था इसलिए खोल दिया था सारे नेस्ट बॉक्स। अभी फिर से ब्रीडिंग सीजन तो आ रहा है, फिर से लगा देंगे आप। हाँ हम लोग का कैसे होता है। हाँ और इसीलिए हाँ हाँ इसीलिए सब ये तो सब हुक किया हुआ है। मतलब दादा क्लॉक वाइज में थोड़ा विश्वास रखते हैं, इसलिए बॉक्स में जो नंबरिंग किया हुआ है उस साइड से 1 2 3 करके 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 यहाँ एंड तक लगाते हैं। मतलब दादा जब CCTV में देखेंगे या कोई भी देखेगा, इनका एम्प्लॉयज जब जाके बताएंगे कि दादा तो दादा समझ जाएंगे कि वो कहाँ है, कहाँ ब्रीड हुआ। और दिल भर गया, 50 पेयर मतलब 100 50 पेयर लुटिनो लाबबर्ड का बहुत खूबसूरत सा एक कॉलोनी हुआ। इसके बाद जो पार्ट बनने वाला है इस सीरीज का, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी कुछ लाबबर्ड भी आप रखे हैं इसी का बच्चा। हाँ मतलब यहाँ से जो बड़ा हो गया बाद में लेके आ जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, अभी वहाँ भी देखने को मिलेगा कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए अभी जाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा सुंदर सा घर दादा ने बना के रखे है, सारे स्टाफ और कुछ नेस्ट बॉक्स वगैरह यहाँ रखते हैं दादा। और ये जगह भी बहुत सुंदर है, ऊपर यहाँ पानी ना गिरे बरसात है बोल के इसको लगा के रखा है, नहीं तो खोल देने से क्या है वो बाहर में आके पानी भी ले सकता है और धूप मिलेगा और बाकी चला जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही होना चाहिए। खाना बाहर देता है क्यों, इसका जो कचरा खाना है इधर निकलता है, अंदर में चिटी वुटी नहीं होता है। एकदम प्लान माफी किया है आपने, बहुत बढ़िया। खाना दे देता है जो खाना है, यहाँ अंदर जाने का जरूरत नहीं, आराम से यहाँ आओ खाओ और चले जाओ। और ये एक लवबर्ड का कॉलोनी है, यहाँ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लवबर्ड दादा ने रखे हैं। और यहाँ सारे वायलेट लवबर्ड का कॉलोनी है। और इसके बाद यहाँ भी एक देख रहा हूँ मास ग्रुप का कॉलोनी है, तो है और हाँ, हाँ बहुत बड़ा फार्म है इसलिए अंदर और नहीं जाऊँगा, बाहर से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और फिर से इस साइड बजीस का एक कॉलोनी बाहर रखा हुआ है। ग्रेट ग्रेट, इसमें एशिया है सब प्यार है, वहाँ पर फिर प्यार चुन के यहाँ
बहुत बढ़िया। हम एक चीज़ तो एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि दादा बिल्कुल भी मतलब सेपरेट केज छोटा केज में रखना नहीं चाहते हैं बर्ड्स को, सबके लिए कॉलोनी बना दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत सनलाइट भी डायरेक्टली लगेगा जो चाहिए होता है, और पानी में तो भीग जाएगा, भीग जाएगा। साइड हम लोग देखेंगे जो गैया बोल रहा था सर जी ने, यही गैया। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा नस्ल का है ये? एक्चुअली जर्सी में बोलता है, पंजाब जर्सी तो पंजाब जर्सी में है। एक है होता है आंध्रा जर्सी। आंध्रा जर्सी क्या होता है, एक बार थोड़ा नीचे होता है, इतना हाइट आएगा नीचे इतना तक आएगा, और पंजाब जर्सी में ऐसे ही होता है। अच्छा जो यूरिन है पानी में डाल के उसके साथ आधा पानी आधा यूरिन, अच्छा ये मिला के पेड़ लगा हुआ रहता है, उसमें स्प्रे करो, कोई रोग दवा नहीं आता। कहाँ स्प्रे करना है? पेड़ में, जैसे छोटा छोटा पत्ता लगा, मतलब इसका जो यूरिन है आधा पानी आधा यूरिन लेकर स्प्रे बॉटल में डाल के, कोई दवा कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगेगा, रोग कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिला। गांव में दादा दादी वो सब गोबर को लेके मिट्टी का मतलब बाहरी जगह आंगन बोलता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, यहाँ व्हाइट एंड ग्रे मिला के है। और यहाँ फिर से एक कॉकटेल का कॉलोनी है, यहाँ वहाँ तो सिर्फ व्हाइट देखा था, और यहाँ व्हाइट एंड ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे कुछ भी कहे उन्हीं का कॉलोनी है। और इस साइड भी एक है, ओनली पैचलेस। ओ यहाँ ओनली पैचलेस, सिर्फ पैचलेस। अरे ये लोग भी एडल्ट है, वो आपने तो सब हुक लगा के रखे हैं शायद, जाने का बात करेगा। हाँ मतलब अभी और थोड़ा मैच्योरिटी होने देना। और यहाँ बहुत सारा कैट बिल्ला ये भी दिख रहा है दादा, ये सब आपका मतलब यहाँ ही रहता है, खाना उना खाता है, तब तक हो जाता है, कभी कभी 80 भी हो जाता है, बढ़ता है कमता है, जितना खाना होता है वहाँ पर हमारा पिगारी का, तो पिग से पैसा जो आता है मतलब, तो कचरा भी नहीं हुआ बाहर में, और वो खाना उना सब वो लोग खा लेता है। अच्छा पिग है और तो भी देखेंगे, देखेगा जितना देख रहा हूँ एक एक करके मतलब और भी है। और वहाँ वो देखिए तालाब में बहुत सारा मछली मतलब खाना खा रहे हैं शायद, छिप भी लगाता नहीं, एंगलिंग में नहीं करता। ओ अच्छा अच्छा, हाँ उसका फट कट जाए। अच्छा ये बन रहा है, बन रहा। हाँ इसके लिए आपसे भी आइडिया लेना है। अच्छा बताइए कैसे करें, आपको बोला था हम सनकुनूर लगेगा। हाँ तो सनकुनूर के लिए हम सोचता है एक एक करके बीच में कॉरिडोर कर देगा। अच्छा दोनों साइड से घर करेगा, दोनों साइड में केज बनेगा अलग अलग करके, और जो सिस्टम करेगा इसे उठाएगा वाल, उसके बाद यहाँ पर नेटिंग करेगा, वो नेट इसी के अंदर में खत्म है। अच्छा ये जो ऊपर का सेट देगा उसके अंदर में खत्म, सेट का अंदर ही रहेगा इतना तक आके, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे तो खाना बाहर में देगा। हाँ तो भी खाना खा के गिर जाएगा, उल्टा साइड में तो वैसे ही करेगा, इसका बॉक्स इस साइड से रहेगा। हाँ वो उन लोगों को तो प्राइवेसी चाहिए, इस साइड से होगा तो प्राइवेसी प्राइवेसी ज़्यादा मिलेगा। सही सही सही, बाहर से भी देख सकता सही क्या है नहीं है, मतलब दादा अभी बहुत इनका बातें सुन के जो लग रहा है ये मतलब बहुत एक्सपीरियंस नहीं नहीं है, नहीं है, हम आइडिया कर रहा नहीं 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 सच में आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, और सनकॉर्नियर के लिए इस साइड से लगाएंगे तो और भी बेहतर होगा। मतलब एक सनकॉर्नियर का पेयर के लिए 6 feet by 10 feet, और हाइट हाइट तो 10 feet है, 10 feet जबरदस्त, 10 feet इधर का 11 feet होगा। हाँ मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा स्पेस, पूरा बर्ड फार्म, पूरा बर्ड फार्म हम लोगों ने सही तरीके से विजिट किया। ये वीडियो का पार्ट टू है, लेकिन कंटिन्यू फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक बक 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 कर रहा हूँ, और अभी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे और मछली पकड़ेंगे हम सब मिलके, बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम लोग मछली पकड़ेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा चारा हम लोग डाल रहे हैं। हाँ अच्छा इतना बड़ा तालाब है, कहाँ मछली है कहाँ नहीं वो तो नहीं पता, इसलिए यहाँ थोड़ा चारा डालने से क्या होगा, कुछ मछली तो यहाँ आ ही जाएगा। आना चाहिए, आना चाहिए, क्या होगा मालूम नहीं। हाँ 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 फिर भी आना चाहिए, आना चाहिए दादा। अभी जो लग रहा है कि हाँ कुछ आने वाला है, हाँ फील कर रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा, इतना छोटा भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारा मछली एक साथ रेड, यहाँ फिशिंग का मज़ा भी हम लोगों को मिल गया। अभी यहाँ से जाएंगे पोल्ट्री फार्म, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म, सबसे सबसे मज़ेदार होने वाला वहाँ जाके। तो इस वीडियो का सीरीज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, और क्या कहूँ, हर पार्ट में तो कहता रहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो का ये पार्ट, पार्ट टू, पार्ट सेकेंड यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नया पार्ट में, मतलब पार्ट 3 में। बाय बाय।